Hey guys, what's up and welcome back to Axiom Verge. So last episode में हमने जो ये डार्क एरिया था जहाँ पे मतलब पूरा अंधेरा अंधेरा था है ना, इसे एक्सप्लोर किया था एंड आगे जाके हमें एक रिंग मिलती है जिससे हम अंधेरे में भी क्लियरली देख सकते हैं। तो जो टॉर्च लाइट वाली एबिलिटी है हमारी, टॉर्च जो है फ्लैश लाइट, उसे अभी यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा एक नया मिली वेपन मिला हमें, पिछले एपिसोड के अंदर मिला था। इसे हम काइंड ऑफ हमारे मिली वेपन से अटैक करके ज़बरदस्त एक दो बार और फेंक सकते हैं। सो यार क्वाइट कूल। तो अभी हमारे पास दो ऑप्शन है आगे बढ़ने के। एक हो गया नीचे कूद के राइट में जाने का, यहाँ से आई थिंक वहाँ से हम जब भी जाएंगे तो प्रॉबेबली एक ग्रीन ऑब्जेक्टिव तक पहुँच जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे मैंने एक पोर्टल फाउंड किया। मैंने पता चलना जब एरिया थोड़ा ग्लिची टाइप का होता है तो उधर पोर्टल होने के चांसेस है। तो इधर एक्चुअली है पोर्टल। ये डिटोनेट वगैरह किसको आ रहा है? ओ अच्छा, हम इसकी एलिमेंट्स चेंज कर सकते हैं, ये मुझे अभी पता चला। टारगेट डिटोनेट एक्सप्लोड्स एमिट सीलिंग नैनाइट्स। अच्छा ठीक है, एनीवेज पोर्टल अट्रैक्ट करने का ट्राई करते हैं। किधर है? इधर ही कहीं पे तो था या बता ना, ये रहा। अच्छा पोर्टल इधर ही, अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं थी, मैं अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहा था, पोर्टल हमारा उधर ही था। ओके निवेश, गेम सेव करते हैं। ये लगता है यार ये कम्प्लीटली नया जोन है ब्रीच वाले वर्ल्ड में, तो इसको चलो रिकनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। राइट में तो कहीं पे भी जा नहीं रहा है, लेफ्ट में भी। अरे यार, अरे क्या है, टैग ही है। उस तरफ भी कुछ है? नहीं बंद है, बंद है। ओह नाइस। अच्छा ये मुझे लग रहा है वो जो डोर था हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यहाँ पे एक लेजर डोर बंद था तो वो हमने अनलॉक किया। हाँ वो अनलॉक किया, नहीं तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ नहीं पा रहे थे, तो ये अनलॉक किया है। यहाँ पे वगैरह कुछ नहीं है, काइंड ऑफ ये एरिया यहाँ से कैसे कनेक्ट होता है वो हमें पता चल गया। ये वाले रूम में हम आए थे एंड पिछले एपिसोड में बोला था अरे यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं है ना, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया अच्छा ऐसे रूम से हम एक्चुअल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट मार सकते हैं एंड तब हम देख सकते हैं कि ये हमें किधर ले जाके ड्रॉप करता है। तो एक और चीज़ है इसमें, नेक्स्ट मैप या प्रीवियस मैप, नेक्स्ट मैप, ये मैप में कैसे स्विच करूँ, कुछ ऑप्शन था। एक सेकेंड, इससे तो पूरा इन्वेंट्री, स्किल्स, मैप, नोट्स, एक तरीका था मैप स्विच करने का, मैं वही देख रहा हूँ। यहाँ पे ई और क्यू लिखा है बट फॉर सम रीजन मैं अभी स्विच नहीं कर पा रहा, पहले ट्राई किया था तो हम स्विच कर सकते थे। आइटम्स, मैप, एनीवेज जंप करते हैं हमारे जो नॉर्मल वर्ल्ड में, देखते ही हमें किधर फेंकता है। ओके तो इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था, जैसे हम अभी ना यहाँ पे मैं स्विच कर सकता हूँ, ये यहाँ पे भी स्विच नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये वाले वर्ल्ड का नाम है ओवर वर्ल्ड एंड वो जो पोर्टल वाले दुनिया का नाम है ब्रीच। तो आप मैप स्विच करके स्पॉट कर सकते हो कि अच्छा मैं ये मतलब उस वर्ल्ड के हिसाब से ये वर्ल्ड में मेरे कौन सा लोकेशन होगा एंड उसके देख के भी आप मतलब ऐसे स्विच करके आ सकते हो जो वहाँ से ब्रीच से सीधा निकल के इधर आने का। एनीवेज हम इधर आ गए तो देखते हैं ये क्या सीन है इधर, इधर एनिमीज है शायद बहुत सारे। लोग हमारी काफी ज्यादा लाइफ नहीं चूस गए, लगा नहीं था इतना डैमेज करते होंगे। चलो बढ़ते आगे देखते ही हमें, अरे बॉस फाइट, ऑब्वियसली ऑप्शनल बॉस फाइट है, ये गेम के सारे बॉस फाइट्स ऑप्शनल है, पता नहीं ऐसा क्यों इन्होंने सेलेक्ट किया था मैकेनिक्स।
अभी दो दो क्यों है भाई, चल क्या रहा इधर। आई थिंक ये बस नाम के लिए प्रोसेस है। अच्छा तो ये एक जो है ये एक एकदम फर्स्ट वाला बॉस था एंड दूसरा जो है वो सेकंड वाला बॉस था। तो ये बस नाम के लिए बॉसेस थे, इनकी लाइफ पूल उतनी थी जब ये एक है ना हम गिर गए पहले हम इनसे लड़ चुके हैं। दूसरा सेकंड बॉस नहीं था, दूसरा आई थिंक थर्ड बॉस था सेंटीपीड के बाद एक हाँ आई थिंक थर्ड या फोर्थ बॉस था। तो काइंड ऑफ इनका कुछ हेल्थ वेल्थ में अपग्रेड आया ही नहीं, ये दोनों वैसे के वैसे ही थे इसलिए आसानी से मर गए। मुझे लगा टफ होने वाला है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इतने स्किल मिले, मैंने दो उठाए। स्किल पॉइंट्स की तरह 6 स्किल पॉइंट्स हैं, बढ़िया। फिर तो आराम से स्किल अपग्रेड कर लेंगे, लाइफ अपग्रेड कर सकते हैं। कॉम्बैट में डैमेज इन्फेक्शन ड्रोन इन्फेक्शन में क्या सीन है, इंक्रीज द एक्सपांशन स्पीड। हाँ ये यूज आ सकता है वैसे, दो पॉइंट ना डालते इसमें ना, बाकी सबका हमने लेवल वन कर दिया है, बस इसका लेवल वन किया हुआ नहीं था। डिक्रीज द टाइम टू चार्ज अप द स्लिंग शॉट अटैक, वो मैं यूज़ करता नहीं उतना, वो बस रास्ता खोलने के लिए यूज़ आता है। आई थिंक लाइफ बढ़ा लेते हैं ना, बढ़िया नाइस। तो हेल्थ पॉइंट बस एक फाइनल बचा अपग्रेड है। ये बंद एरिया एक ऐसे यार बहुत सारे लोकेशंस है जो एक काइंड ऑफ स्टैंड अलोन है ना गेम के पॉइंट ऑफ व्यू में। बस यहाँ पे आओ, ये बॉस फाइट काइंड ऑफ, अगर आप यहाँ पे आते भी नहीं तो भी तो फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पे आने से आपको दो बॉस फाइट करने पड़ेंगे एंड उसके बाद आपको अपग्रेड पॉइंट मिल गया, तो काइंड ऑफ आपके कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बना देगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप नहीं भी आते तो भी गेम तो कंप्लीट कर पाओगे। तो ऐसे बहुत सारे क्या बोल सकते इसको, सीक्रेट एरिया बोल सकते हो आप वो गेम में भर भर के। मुझे वैसे यहाँ पे आना नहीं था क्योंकि यहाँ से तो हम कहीं पे भी जा नहीं सकते हैं, तो वापस चलते हैं। तो वो जो पोर्टल था वो भी काइंड ऑफ ऑप्शनली था, उसने बस हम एक नए जगह से दूसरे पुराने जगह पे कनेक्ट किया जैसे कि आपने देखा है, एंड वो पुराने जगह से हम एक ऑप्शनल बॉस फाइट कर गए। तो इस तरफ देखते क्या है, अगर मैं करेक्ट हूँ तो हम प्रोबेबली ग्रीन वाले ऑब्जेक्टिव तक पहुँचने वाले हैं। दाम एनी आइडिया वॉट दिस डू, ओ आई रिमेंबर दिस, दिस इज वेयर आई बिकम वॉट आई एम नाउ, एन आर्म। तो ये आर्म्स बनाने वाली मशीन है। वाई वुड एनी वन डू दिस टू यू, इट्स इन ह्यूमन। The younger you are, the more adaptive your mind is. They thought I could do all kinds of things an adult couldn't. Okay, what happened? Didn't it work? The war ended before I was really needed. Like all of this stuff, I was too dangerous to keep around. Achha. The war पहले खत्म हो गया, फिर इसको इसका use किया ही नहीं। Kind of आपको पता ही सारे arms को destroy कर देते या फिर बंद करके रख देते। तो जो भी arms को destroy नहीं किया था उन लोगों को वही आर्म्स है जो अभी हम देख रहे हैं जिनको कैद करके रखा गया था, बाकी ज्यादातर आर्म्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। सो व्हाट दिस वन डू, ये क्या चीज़ है, नोबडी नोज एक्चुअली, इट वाज नेवर लिट अप लाइक दिस बिफोर। अच्छा, लाइक आई सेड द एल्डर्स बिलीव ऑल दिस स्टफ वाज मेड बाय द गॉड्स, बट यू नो इट वाज प्रोबेबली जस्ट मेड बाय पीपल। ये हम एक्चुअली पहुंच गए, वो जो ऑब्जेक्टिव था ना यहाँ पे आना था। ओके, तो वो एक दूसरा वर्ल्ड है लग रहा है, ये हमें किधर लेके जाएगा रहा है। ऊपर कुछ है क्या, अच्छा कुछ स्टोन टैबलेट है। The eternal arm, Yurnira, I understand what you mean about yourself aggrandizing. Okay, grandparents, my own grandfather used to make up a lot of stories about the Uruk war. I heard time and time about the siege of Zuzu. अरे यार ये लोग इतने अजीब से नाम क्यों डालते हैं, कुछ आसान सा नाम डालो। दैट वॉज प्रेजेंट फॉर, पहली बात तो मुझे ये जानना ही ऐसे अजीब से नाम सोचता कौन है। एंड द रेजिंग ऑफ गिगुना, विच आई एम डाउटफुल अबाउट वॉट हैपेंड अबाउट एन आर्म दैट वॉज सो पावरफुल नोबडी वॉज अलाउड टू विल्ड इट। अच्छा, किसी आर्म के बारे में बात की जा रही है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था वगैरह। द स्टोरी गोज दैट द आर्म कुड रिकॉन्फिगर थिंग्स इनटू एनी शेप पॉसिबल, बट इट वॉज अनकंट्रोलेबल वर्स एट द एंड ऑफ द वॉर व्हेन दे वर कलेक्टिंग ऑल ऑफ द अदर आर्म्स एंड
incinerating them with storm bombs. Okay, this one was unaffected. अच्छा, तो ये आम जो इसे सील करके कहीं पे रखा गया, एंड मुझे ऐसा फील आ रहा है कि अमाशी लामा जो है वो इसी आम के पीछे तो नहीं गया, ये जो इतने स्ट्रॉन्ग आम की बात की जा रही है. एनीवेज ये देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये हमें कोई दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट या जैसे कि मैंने सोचा था, देख के ऐसे पोर्टल काइंड ऑफ ही लग रहा था. अभी कोई हमारे वर्ल्ड का ही लोकेशन है कोई कोई दूसरा वर्ल्ड है? ओवर वर्ल्ड लिखा तो है बट दूर दूर तक हमारा मैप दिख नहीं रहा है. एक्चुअली है वही वर्ल्ड बट एक हिडन सीक्रेट लोकेशन काइंड ऑफ. तो भाई बॉस फाइट है यही है, इतना बड़ा बॉस. कुछ और इंदिरा कैन यू हियर मी, अभी है कौन अमास लमास हुई है यही है एमोल्ड. यस दिस टर्मिनल डज नॉट हैव द लिमिटेशन ऑफ एन एनसिबल सो वी कैन स्पीक फ्रीली. आई एम वेरी सॉरी फॉर हैविंग लर्ड यू हियर बट यू मस्ट बिलीव आई हैड नो अदर चॉइस. कट द क्रैप इस समारा देर आई वॉन्ट टू टॉक टू हर. ओके ऑफकोर्स जस्ट अ मिनट. अच्छा हैमोड, ये हैमोड इंडस्ट्री की शायद सीईओ है जो समारा यानी कि इसके डॉटर को पकड़ के लेके गई. तो इससे पहले मैं श्योर नहीं था लेकिन अब शायद श्योर हूँ. तो उसकी बेटी को ये हैमोड लेके गई है. ऑफकोर्स जस्ट अ मिनट. एंड उसका फिर इंटेंशन क्या है? मदर आर यू देयर समारा? इट्स रियली यू इजंट इट? यस इट्स मी. लिसन आई एम हियर विथ हैमोड एंड सो मेनी अदर पीपल. इट्स नट्स. स्वीटी वेर आर यू? आर दे ट्रीटिंग यू वेल? ये एक अलग वर्ल्ड से बात हो रही है कि उनके माइंड इसके अंदर है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है. मामा आई एम नॉट लाइक अ हॉस्टेज और एनीथिंग बट दिस प्लेस इज गोइंग टू गेट वाइप्ड आउट इफ यू डोंट डू व्हाट हैमोड आस्क्स. ओके, वो एक अलग वर्ल्ड में है शायद फिर, एंड बस हम कम्युनिकेट कर रहे हैं. इज देयर अ वे आउट? नो मॉम, वी आर इन अनदर प्लेस लाइक वेर यू आर विद नो एग्जिट्स. ओके, हैमोड वॉन्ट्स टू टॉक अगेन. हैमोड होल्ड ऑन. ओके इंद्र, दिस इज इम्पॉर्टेंट. सेंचुरीज अगो द लमासू रीपर्पज सम अपस्ट्रीम टेक टू कॉम्बैट द उडू. एविडेंटली इट वर्कड बट कॉज सेवरल इंपॉर्टेंट सिस्टम्स टू फेल. वी आर नाउ एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स. समारा माइसेल्फ एंड इवेंचुअली एवरीवन अलाइव टुडे विल बी फ्लश्ड आउट ऑफ द एग्जिस्टेंस. ओके, आई कैन फिक्स इट बट आई नीड यू टू हैक दिस टर्मिनल टू गिव मी टोटल कंट्रोल. अच्छा, व्हाई डोंट यू हैक इट योरसेल्फ? वी आर इन अ काइंड ऑफ डिटेंशन सेंटर. आई हैड टू resort to some very tricky method to even contact you. Achha, okay. Detention center, how did you get there? I don't think you're ready to hear the answer to that just yet. You are insufferable. Can you help me to get back home? Possibly, but first hack. Achha, ye chahta hai ki, chahti hai Hammond ki hum ise hack kare and isko pura control de. Fine, hang on. Inko detention center mein dal ke rakha hai, matlab Lamasu ne inko pakad ke rakha hai. चलो ऑथेंटिकेशन दे दिए इसको. इट्स डन. आई डोंट सी अ चेंज. वेट, होल्ड ऑन. दैट्स इट, यू डिड इट. फॉर वन समथिंग वेंट स्मूथली. आई एम इम्प्रेस्ड. आई विल गेट योर डॉटर. होल्ड ऑन मॉम, वी आर बीइंग इवैक्यूएटेड टू सम सेफर. समवेयर सेफर. इट्स गोन टू टेक अ व्हाइल दो. इवैक्यूएटेड टू वेयर? एमोट शोड मी सम ऑफ द things you have done since I left. I want you to stop blaming yourself up over what happened to me. Thanks to you I am going to be just fine. That does not answer my question. There's no time but we will see each other again eventually. I know it. Are yaar isse bataya hi nahi. I'm sorry. It's hammered again. Samara, I had to go but they are letting me stay longer so I can make sure things are working properly. Okay. Once you leave I am going to deactivate the portal you came through. It's too much of a risk that someone could undo what we have accomplished. Okay, I am trying to get Ansible at 4410. ये location है ना, जैसे हम वो सी में location बताते हैं ना coordinates के हिसाब से, तो वैसे something है ये. Back online so we can still communicate. 4410. Okay.
दिस हैज बीन अ लॉट टू टेक इन, आई थिंक आई नीड टू बी अलोन नाउ, अंडरस्टैंडेबल, बी सेफ इंदिरा। ओके, कि इसमें हमें लोकेशन दिखता है 4410 मैप पे? नहीं दिखता शायद। तो आई थिंक ये मे बी ऑप्शनल था कि ये करना था स्टोरी में। ओके, मुझे कोई आइडिया नहीं है स्टोरी में करना था कि नहीं। सीम्स लाइक दैट कि लमासो ने हेमोंड और भी काफ़ी सारे लोगों को एंड इंदिरा के डॉक्टर को पकड़ के रखा है, एंड समाओ वो अभी भागने में कामयाब रहे क्योंकि हमने हैक करके उनको एक्सेस दिया, अथॉरिटी दिया ना। एंड अभी वो कहीं पर भाग रहे, ये नहीं पता है किधर भाग रहा है, एंड बोला भी हमसे आगे मिलेंगे कहीं पे। यहाँ से निकलते वापस, तो हम ये पोर्टल वापस यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो पोर्टल क्लोज कर रही है, ये उसने बोल दिया। तो ये वर्ल्ड में हम आ नहीं पाएंगे, तो डेफिनेटली कहीं और मिलना चाहिए। 4410 उसने लोकेशन बताया, पता नहीं वो किधर है। ये डोर पहले खुला हुआ नहीं था। मीडियम है कि स्मॉल है? ये स्मॉल है। दूर पता नहीं क्या है। ये वो वाले बॉल्स है जो हमारी लाइफ भी कम करती है एंड हमें एबिलिटी यूज करने से रोकती है, यानी कि हम अटैक वगैरह नहीं कर सकते अगर उसे टकराए तो। सो बेसिकली ये ऐसे अपने आप में इतने खतरनाक नहीं होते, लेकिन एनिमीज के साथ अगर एनिमी मेरे आसपास आ रहा है जिससे मैं जाके टकराता हूँ तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं, एंड इनको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते फॉर सम रीजन। अरे भाई काइंड ऑफ स्टन कर देती है बोल सकते हो। निकल पे। ओह ओह हैक हैक हैक। ये शायद यप अच्छा हुआ हमने करेक्ट टाइम पे हैक कर दिया। ये वो क्लोज डोर था जो हमारे चेक पॉइंट के ऊपर था, पिछले एपिसोड में हमने देखा था हम चढ़ नहीं पा रहे करके। अरे बढ़िया, यहां से किधर जाना है? स्टोन टैबलेट, बीवेयर द पैटर्न एंड मीनो अमेड, बीवेयर द पैटर्न अमेड लिखा है शायद, नहीं कुछ और ही दिखा है। पैटर क्या पता क्या लिखा है ये। इनके जो फॉन्ट साइज, इन्होंने फॉन्ट स्टाइल जो सेलेक्ट किया है ना, इसमें काफी वर्ड्स का एक जैसे दिखते हैं, ए और आर, डी एंड ओ, ये काफी, तो कुछ कुछ वर्ड समझ में नहीं आते। पैटर अमेड लिखा क्या हुआ है? वी मस्ट फ्ली विल्डर्स इफ यू हैव नॉट डन सो, हाइड योर आर्म्स दोज फ्यू दैट कैन क्रॉस द स्टोन, इट इज सेड दैट द पैटर्न, ओके पैटर्न माइंड्स लिखा है, पैटर्न माइंड्स, ओके पैटर्न माइंड्स, ओके ऊपर पैटर्न माइंड समझ में भी नहीं आ रहा था। डिराइव देयर पावर डायरेक्टली फ्रॉम द एंड सर, अवर ओनली होप नाउ इज दैट वी कैन सर्वाइव लॉन्ग इनफ टू रिग्रुप अनदर डे, मैजेस्गिटिक विल्डर, ओके। तो जब ये विल्डर्स को डिस्ट्रॉय करने वाले थे उनको बोल दिया कि भाग लो यहाँ से बेटा, जब मौका मिल रहा है तुम्हें डिस्ट्रॉय करने वाले। अब से पॉइंट बढ़िया, आई थिंक हम दूसरे वाले लोकेशन तक भी पहुँचने वाले, ज़्यादा दूर नहीं लग रहा है ये, जस्ट एक ब्लॉक ऊपर। ये हमें किधर रिकनेक्ट करता है?
ये किधर आ गए? ओके एग्जैक्टली है कौन सा लोकेशन ये? अच्छा ओके ये वापस हम पीछे की तरफ आ गए। अच्छा ये पिछले एपिसोड में भी हमने देखा था ना ये रॉक खुल नहीं रहा था, मतलब बंद था। मैं सोच रहा था ये हम आएंगे कैसे, मुझे पहले लगा वो रॉक को तोड़ना ओढ़ना होगा, बट सीम्स लाइक दैट तोड़ने वगैरह की जरूरत नहीं, वो एक मैकेनिकल डोर था जो रॉक की तरह डिस्गाइज करके रखा था इन्होंने। प्ले ये जोन मुझे याद है। ओके तो बेसिकली हमने बस ये कर दिया कि वो रिकनेक्ट कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखो एक सेव पॉइंट है, बताया था ना मैंने, ये आई थिंक हमने दो एपिसोड पहले खोला था ये लोकेशन। तो वापस चलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ काम है नहीं अभी। वैसे वहां से शायद एक और ऊपर जाने का रास्ता था जो मैंने मिस किया। अगर यहाँ पे हम जो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं उधर अगर डेड एंड रहा तो हम जा सकते हैं। मुझे लग रहा है जो ये वाला जो ब्लॉक्स है ना, ये ब्लैक कलर वाले ब्लॉक्स उस तरफ जो अनएक्सप्लोर्ड है फिलहाल। अच्छा ये लमासू है क्या? बिल्डर इट इज आई द लमासू, वो तो पता ही चल गया था। आई हैवंट लोकेटेड अमाशी लामा येट। Nevertheless, I feel I am forced to trust you. In the chamber to the right is the last Siuna. Okay, यही चीज़ वो ढूंढ रहा था वो वेपन अमाशी लामा। It is only one of its kind, not locked away upstream. If you can find a way inside, it will help you defeat अमाशी लामा। तो खुद खोल के नहीं देगा क्या? मुझे लगा इसके पास एक्सेस होगा, अब हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, बस इतना ही बोलना था इसको। ओके तो अभी गेट्स के आर पार कैसे निकलेंगे रे भैया हम? यहाँ में एकदम आपको याद है जो स्टार्टिंग का स्नोई रीजन था जहाँ पे नीचे पानी वाला जोन था थोड़ा सा, वहाँ पे रिकनेक्ट करने वाला है। बाद वाले पानी जोन की बात नहीं कर रहा, ये वाला वाटर जोन तो बाद में आया था जहाँ पे हम सेंटीपीड से लड़े थे, वो नहीं। स्टार्टिंग में एकदम एक आइस एरिया था एंड थोड़ा सा एक वाटर जोन था, है ना? जब वो वाटर वाले जोन में हम टेलीपोर्ट होके आते हैं ये वाले वर्ल्ड में एक्चुअली, है ना? टेलीपोर्ट होके ये वाले वाटर जोन में आके गिरता है जब हम टेलीपोर्ट होते हैं। तो सीम्स लाइक दैट ये हमें उधर ले जाके पटकने वाला है। ओके ये पोर्टल, यहाँ पे एक पोर्टल है, दैट्स कूल। एक और, अच्छा ये वाला पोर्टल तो वो है जब उस ऑपोजिट साइड से इसको ट्रैक करके हमने यूज कर लिया, तो वो पोर्टल कुछ काम का है नहीं, वो हमें बेटा एक्सप्लोर कर चुके सीधा। वो है क्या देखने, ये पोर्टल किधर लेके जाता है? एंड ये क्या? ओके डॉक्टर ग्लोरिया एट इट अगेन। ओके मार्च 12, 2066 और डॉक्टर ग्लोरिया इज अंडर द फायर अगेन फॉर अ रीसेंट इंटरव्यू विद इंदिरा चौधरी दैट क्रिटिसाइजेस आर कॉलिंग एक्सप्लोइटेटिव एंड सेंसेशनलिस्ट। ओके सेंसेशनलिस्ट आफ्टर लीडिंग विथ रिलेटिवली इनोकस क्वेश्चंस रिगार्डिंग हर इंटरेस्ट इन शेक्सपियर और ग्लोरिया सीम्स। अच्छा कोई पुरानी इंटरव्यू की बात की है, मुझे लग नहीं रहा कुछ सिग्निफिकेंस है इसका। तो ये हम वापस रिकनेक्ट कर गए, हम यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी पहले आ चुके हैं एंड री एक्सप्लोर करते हुए वापस भी आए थे। मैं बोला था ये प्रॉबेबली डोर खोलने की कोई एबिलिटी मिलेंगी हमें एंड ये वही डोर है, बस इस बार हम ऑपोजिट साइड से आए, बट अभी तक डोर खोलने की एबिलिटी नहीं मिली। डोर खोलने की एबिलिटी मिलती तो काइंड ऑफ काफ़ी ईजी होता ना एक दूसरे जगह से रिकनेक्ट करने के लिए। तो वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है सुवेना, वो जो भी वेपन है वो जस्ट वो डोर की उस तरफ है, बस हमें उस तरफ जाने की एबिलिटी चाहिए। फिलहाल ये पोर्टल यूज़ करते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा। ओके दिस इज अ कम्प्लीटली न्यू जोन, कूल। पहले थोड़ा लेफ्ट जाके आते हैं। अच्छा यहाँ पे गेट बंद है। ओके आई गॉट दैट, वो कौन सा एरिया में समझ में आ गया, वहाँ पे हम आए थे लेकिन वो ऊपर गेट बंद था तो आगे एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो इस बार हम सीधा अलग जगह पे, मतलब लेफ्ट में स्पॉन हुए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बढ़िया।
इसको कैसे लिया जाए? टारगेट मिमिक्स यूजर्स मूवमेंट ये कुछ नहीं है। मैं भागने दे मुझे भाई। तो वो पीछे पिछले रूम में भी एक लूट था बट मैं फिलहाल देखना चाहता हूँ ये हम ये जो एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरे ये मुझे किधर लेके जाएगा। नीचे जाना है यार मुझे लगा ऊपर जाना है। हील है क्या? हील है क्या? हाँ है। चलो बढ़िया। ये वन ऑफ द स्टार्टिंग जोन है मुझे लग रहा है एकदम स्टार्ट वाले जोन में लाके हमें रिकनेक्ट करेगा एकदम वो लूप कंप्लीट हो जाएगा काइंड ऑफ। उनको मानने से मेरी लाइफ कम हुई। ओके सो काइंड ऑफ लैंड माइंस है समझ में आ गया। बढ़िया तो ऊपर कहाँ से जाऊंगा मैं यहाँ से? हाँ हम लेफ्ट राइट दोनों ही जा सकते हैं। लेफ्ट में देखते हैं राइट में देखते हैं पहले के ये डिफरेंट जोन आ गया रीजन ये बहुत एनिमीज है। व्हाट पर कुछ है और ट्रैप है सिर्फ। अच्छा ये तो बॉम्ब्स टाइप का ना इनसे टकराना नहीं है। ओह शिट बॉस फाइट मे बी अरे कांटे टाइप के शायद नीचे वो कांटे टाइप के थे उधर।
अरे हम एक्चुअली ऐसे निकल सकते हैं, मैं इससे लड़ क्यों रहा हूँ फिर? निकलो निकलो निकलो। ओह यहाँ पे एक सेव पॉइंट था, ये बढ़िया बात हो गई। अब तो इससे सीधा जाके लड़ भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे देख रही इस तरफ क्या है। ओके सो हियर इज अ पोर्टल, आई थिंक हमें इधर इधर ही आना होगा। पोर्टल है तो वो हमें वापस नॉर्मल दुनिया में फेंकेगा। ये चीज़ वैसे किधर जाती है मुझे वो देखना, लेफ्ट की तरफ यहाँ पे एक रास्ता था। शॉर्टकट खोलता है ये, फटाक से देख के आता है। मीडियम की स्मॉल क्या है ये? आई थिंक स्मॉल नहीं, मीडियम है। ओके लोकेशन मुझे याद नहीं, कभी आया नहीं, पहली बार आया। ये फर्स्ट जोन का म्यूजिक था मुझे याद। हम वापस एक्चुअली फर्स्ट वाले जोन में आने वाले, जब हम सबसे पहली बार ब्रीच लेके आए थे ना, पोर्टल लेके ब्रीच वाले जोन में जब आए थे सबसे पहली बार, तो वही लोकेशन में आ रहे। स्मॉल ऑगमेंट योर पावर्स एंड एबिलिटीज बाय 1 पॉइंट। ओके ये क्या चीज है? मुझे लगा कुछ पावर्स है। ये लो आ गए फर्स्ट जोन में, आ गए एकदम गेम के स्टार्टिंग वाले। यस वही है। बट ये एक नया लोकेशन खुला है, ये कंप्लीटली नया लोकेशन है। ये एक अलग जोन है, यहाँ का आर्ट स्टाइल अलग है, समझ रहा है ये अलग एरिया। हाँ इधर भी एक पोर्टल है, यूज करके निकलते हैं, देखते हैं हमें किधर देखते हैं। ओह ओके किधर आए हम? ये हमारे गेम का फर्स्ट सेव पॉइंट है क्या? अच्छा नहीं, ये वो वाला लोकेशन है जहाँ पे वो मैनेजर रहता था ना इनका, जो ह्यूमंस इधर अटके हुए हैं उनका एक मैनेजर रहता था, ये वो लोकेशन है। ओके तो ये हम काफ़ी दूर आ गए भाई, मुझे ऑब्जेक्टिव पे जाना है एंड वहाँ पे कैसे जाऊँ? हाँ ये सेव पॉइंट से निकलते हैं। अभी कुछ ये पूरा जाना नहीं पड़ेगा मुझे, बस एक बार वो पोर्टल वर्ल्ड में जाना है, क्योंकि यहाँ से हम जैसे कि हम पोर्टल वर्ल्ड से सीधा बाहर निकल सकते हैं, ये ओवर वर्ल्ड करके जो दुनिया है ना, पोर्टल वर्ल्ड का नाम है ब्रीच, बट यहाँ से सीधा ब्रीच वर्ल्ड में नहीं जा सकते, वो जाने के लिए हमें एक पोर्टल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से घुस के फिर मैं सीधा एक बार ब्रीच वर्ल्ड में चले गया, तो मैं जैसे यूजुअली टेलीपोर्ट करता हूँ वैसे टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके मैप, ये रहा टेलीपोर्ट। ये देखते हैं हमें किधर फेंकेगा अभी ये पोर्टल। ये किधर आ गए हम? ओ ये वहां लॉक डोर के हम अलग साइड में आए क्या? ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि हम इस तरफ आ नहीं सकते थे, लेकिन अब हम एंड यहाँ पे कोई मरा पड़ा है।
Goodbye to whoever finds this. If this is the end, then it's time I pass on what I know. It all starts with Doctor, जो भी इसका नाम है, was first discovered the breach and was traveling to alternate realities before Hammond Corp was even formed. His greater fear was that the technologies of the world stream would prove too dangerous and destructive for Earth, and he implored me to keep it a secret until he could discover exactly what was happened at the what had happened at the root. Though I doubted him. First, the more I learned, the more inclined I was to agree. The apocalypse arms alone could be catastrophic to our world. Okay, it was now been decades since he left Earth. I had mounted this latest expedition to try and follow, but since I am not a pattern mind, the hurdles are the great. Clearly, there is something gravely amiss here. The barriers between worlds slowly degenerating, and no apparent attempts being made to correct the course. We must do something. Okay. तो kind of कोई एक डॉक्टर था जिसका नाम ऊपर बताया गया था, अजीब सा नाम. उसने सबसे पहले ही अलग अलग दुनिया फाइंड की थी, पोर्टल से हम ब्रीच पे जा सकते हैं, ओवर वर्ल्ड में जा सकते हैं, बट काफ़ी सालों तक वो वापस नहीं आया. तो उसका अप्रेंटिस या स्टूडेंट जो भी वो लोग उसके पीछे भी जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके साथ कुछ हादसा हुआ एंड वो भी टपक गया. एंड वो बोल रहा है कुछ तो इधर गलत हो रहा है, ये जो आर्म्स है सिर्फ वही इतने ताकतवर है कि अगर वो अर्थ पे आ गए तो वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें गलत है. एंड धीरे धीरे ये जो वर्ल्ड्स हैं, जो भी बैरियर है वर्ल्ड्स के बीच में, वो डीजनरेटिंग, यानी कि हो सकता है ये वर्ल्ड आपस में कोलाइड कर रहे या कनेक्ट हो जाए एक दूसरे से, तो उसे काइंड ऑफ रोकना होगा शायद हैमोंड. ये गेट बंद है. ओके, सो हमें लेफ्ट में जाना. अरे ये भी बंद है, मैं करूँ क्या इधर फिर, नाचूं? अच्छा नहीं, इधर ये पोर्टल होगा ना. नहीं, पोर्टल होना चाहिए. ये आया पोर्टल, बढ़िया. ये अलग से पॉइंट है ना, देख के तो लग रहा है अलग है. आसमान से नीचे गिरा दिया सीधा. पीछे कुछ था क्या जो मैंने मिस किया? और कोई पोर्ट पाइप्स नहीं है ना, बस यही एक पाइप है. चलो नीचे. वैसे एक सेकेंड, शायद इधर वो अपग्रेड था स्किल पॉइंट. हाँ, इसको ले सकता हूँ क्या मैं? ट्रैप्स. आज के एपिसोड में बहुत ज्यादा हम अंदर बार अलग अलग पोर्टल से निकलते. ये कौन है? अरे इसने ये वाली बॉडी को पोजेस कर लिया क्या? अमाशी लामा ने, ये वही है क्या? एट लॉन्ग लास्ट आई कैन फ्री अस फ्रॉम अवर प्राइमोडियल बॉन्ड्स. अच्छा, आई थिंक ये वही है. क्या नाम, सुविना करके वो जो भी बोल रहा था ना, लबासु सुविना करके कुछ वेपन है, एंड उसको अगर आर्म पोजेस करेगा तो खुद पूरा कंट्रोल कर सकते, उसको बॉडी की जरूरत नहीं है. हमारी बॉडी गिरा दी. नाउ टू फाइंड द पोर्टल टू अनासुर. अनासुर यानी कि वो वर्ल्ड जहाँ पे लमासु इन सब का कोर, एक्चुअल कोर है, जहाँ पे उनकी मदर है ना, उसको डिस्ट्रॉय करते तो लमासु ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा. यू हैव टू स्टॉप हर. आई सॉ इनसाइड हर माइंड. इफ शी डिस्ट्रॉयज अनासुर इट ऑल एंड्स. ये है कौन? बट आई नेवर सी समारा. She is not breathing. It seems like she was back to being Indra again, and now she is dead. So what does that mean? वो बीच में इंदिरा बनी और मर गई, ये कैसे हुआ? And that big red thing is that the last Suvina, yeah probably Suvina जो भी है वो चीज़,
एन एम्प्टी बॉडी जस्ट वेटिंग फॉर एन आर्म टू टेक ओवर. तो स्वीना जो है ये एम्प्टी बॉडीज है जो बनाए गए आर्म्स को टेक ओवर करने के लिए, एंड जो आर्म्स है फिर उसे फ्रीली कंट्रोल कर सकते हैं, अनलाइक द वील्डर्स जो एक्चुअली ह्यूमंस थे. एंड जब आर्म्स उनके साथ कंबाइन होते थे तो आर्म्स खुद कंट्रोल नहीं कर सकते है ना, आर्म्स की पावर्स को वो ह्यूमंस यूज करते थे. तो ये एक डिफरेंस है स्वीना और नॉर्मल वील्डर्स में. दैट अनासुर प्लेस इज सपोज टू हैव मोर ऑफ देम. ओके अच्छा, अनासुर प्लेस में और भी है, ये ओवरवर्ल्ड में बस एक ही था. डू यू थिंक अमाशी लामा रियली वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड? आई एम नॉट श्योर दैट्स वॉट शी मीन्स टू हैपन. दैट्स वॉट शी मीन्स टू हैपन ओके, दो आई डोंट एग्जैक्टली वॉन्ट टू फाइंड आउट इफ शी इज राइट आइदर. खत्म. अच्छा ये वो ऑब्जेक्टिव रूम था. ओके तो इधर ही वो चीज रखी हुई थी जो लामासु ने बताया था हमें. तो अब इधर से किधर पे भाई, सामान लेके तो भाग के यहाँ से. यहाँ से शायद ऊपर जा सकते हो. बढ़िया. ओह कुछ एबिलिटी मिली है. तिलहार ओके. डिस्पर्स इनटू अ क्लाउड ऑफ नैनाइट्स, डैमेज 10, 0 ई टू यूज. आई एम तिलहार विथ मी यू बिकम एज अ क्लाउड एबल टू पास थ्रू. ओ ओके तो ये लॉक्ड गेट से हम ऐसे निकल सकते हैं. आई हैव बीन सीइंग ग्रेटिंग ऑल ओवर सिंस आई अराइव, इट्स लाइक अ डैम मोटिव. इंडीड दीज बैरियर्स आर वन ऑफ द वेज द वील्डर्स वेयर फाइनली एबल टू एंट्रैप एंड वैंक्विश द उडुक. ओके कूल, हम सीधा आर पार निकल सकते हैं, ये बढ़िया बात है. तो एक सेकेंड, अगर हम ये ब्रीच वाले पोर्टल में निकल के वापस जाके वो पोर्टल से वापस ले, क्योंकि हमें जहाँ पे अभी एक बॉडी मिली थी ना उसकी, ये बंदे की, उधर कुछ क्लोज्ड गेट्स थे जहाँ से हम आर पार जा सकते हैं. एंड लामासु का भी होगा कुछ बोलना, देखते हैं क्या सीन है. किधर गई एबिलिटी, कौन सी है, यहाँ पे नहीं है क्या एबिलिटी? अच्छा ई पे. ओके ओके नई एबिलिटी है. अच्छा ये हमारा हैकिंग पॉइंट्स यूज करता है. विल्डर वी आर इन ग्रेव डेंजर, वो तो मुझे समझ में आ गया. आई सॉ शी सेड इट लुकिंग शी सेड इज लुकिंग फॉर द पोर्टल टू अनासुर. ओके यस शी मीन्स टू ऑब्टेन द रेस्ट ऑफ द सिवना किचे and she will destroy our mother world with a legion of armies. Okay, I think you need to explain a bit what that means. In the same way that destroying the universe would mean destroying all the planets within the universe, destroying the Anasur will destroy all the universe within it. Acha theek hai. And what sort of insanity makes her think this is a good idea? She believes in that this universe can somehow survive independently of the mother. Indra, it is paramount that you stop her. The portal to the Suvina cache is an undetonated storm slash breach bomb left over from the way. Okay, all that is needed is for you to activate. Okay, and the portal to Suvina cache is an acha. तो वो जो पोर्टल में जाने वाली है वो पोर्टल के पास एक अनडिटोनेटेड स्टॉर्म स्लैश ब्रीच बॉम्ब जो डिस्ट्रॉय पहले इन हिस्ट्री यूज किया गया थे इनको मारने के लिए आर्म्स को, वो एक बचा हुआ है. तो बस हमें वही एक डिस्ट्रॉय करना है. एंड प्रोबेबली अमाशी लामा वो सबसे ताकतवर आर्म नहीं है, जो एक लेजेंडरी आर्म के बारे में बताया गया था ना जो बहुत ज़्यादा ताकतवर आर्म है, वो अमाशी लामा नहीं है. वो कहीं भी छुपा के रखा है, वो पता नहीं अभी ये गेम में है भी कि नहीं, क्योंकि प्रोबेबली इसका भी सीक्वेंस आएगा जब एक्सियम वर्च 2 आ चुका है तो 3 भी आ चुका होगा. अगर अमाशी लामा वो आर्म रही है ना, वो जो लेजेंडरी आर्म है, तो वो ये बॉम्ब से भी मरने नहीं वाली है. लेट्स होप कि वो ना आए, मुझे लग नहीं रहा वो है, क्योंकि अगर वो लेजेंडरी आर्म होती तो उसके पास और भी एबिलिटीज होती है, जैसे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी वगैरह उसे पोजेस करने की जरूरत ना होती शायद. वेयर इज इट? In sector 4318, beneath your people's research, it was nearly discovered by them, is why I sent drones to chase them from the area. अच्छा वो एरिया पीपल ने डिस्कवर कर दिया था, इसलिए वो इसने हॉस्टाइल ड्रोन्स भेजे ताकि जो लोग हैं वो वहाँ से भाग जाए. This sounds dangerous. What is the blast radius of the bomb?
द वॉल्स आर ऑफ मटेरियल नॉट नेटिव टू दिस वर्ल्ड एंड शुड कंटेन द ब्लास्टर. अच्छा ओके ओके, आई विल चेक इट आउट. इफ इट्स एज यू से आई विल सेट इट टू ग्लो एंड देन यू हैड बेटर फाइंड अ वे टू गेट मी बैक इन टू माई ओन बॉडी. वी हैव एन अग्रीमेंट. ओके, मुझे ऐसा ही लग रहा है लमासो भी विलन है, फील आ रहा है मुझे. ओके, तो अब यहाँ से एक सेकेंड, सबसे पहले नीचे आके सेव करके आते हैं एंड उसके बाद इसने हम किधर जाने को बोला है, यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए, हमारे बेस के नीचे बोला ना इसने. ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं दिख रहा नया वाला. हमारे बेसिस किधर किधर है, एक तो वो हो गया जो एकदम ये स्नोई रीजन में जहाँ पे मैनेजर है वो शायद, लेकिन हमारा बेस नहीं है. और फिर एकदम स्टार्टिंग में एक बेस था शायद यहाँ पे एंड फिर एक बेस था ये लमासो, जहाँ पे हमें लमासो सबसे पहली बार मिला था उसके जस्ट ऊपर, जो कि होगा इस तरफ यहाँ पे एक बेस था. फिर मुझे ऑब्जेक्टिव ब्लिंक करता हुआ दिख नहीं रहा, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ पे गया है ऑब्जेक्टिव, जाके देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा. लेकिन पहले मुझे वो पोर्टल्स चेकआउट करने हैं, पोर्टल्स नहीं वो जो क्लोज्ड गेट थे ऊपर जहाँ पे हमें वो बॉडी मिली थी वो साइंटिस्ट के स्टूडेंट की जो उसके पीछे पीछे इधर आ गया था. अरे पकड़ ले भैया, मैं जंप करता हूँ ना, जब जंप करता हूँ तो ये लेज छोड़ देती है पता नहीं क्यों, जैसे दूसरे गेम में ऐसा नहीं होता. ये देखो अभी मैंने पकड़ा और जब मैं जंप दबाऊंगा तो ऊपर चढ़ने के बजाय ये लेज छोड़ देती है, पता नहीं ऐसा क्यों है. यहाँ से टेलीपोर्ट होके यहाँ पे आई थिंक यही पोर्टल था, यही था. अरे निकल भैया. ओह ठीक है, ये तो हम अभी भी नहीं उठा सकते. आई थिंक ओके लेट्स गो. या ये देखो, ये अभी वो फर्स्ट स्टार्टिंग वाले जोन्स है जहाँ पे एनिमीज थे हमारे नॉर्मल, आपको दिख रहा है ना जो एकदम स्टार्टिंग में स्कॉर्पियंस वगैरह जैसे हम लड़ते रहते थे. हील, ओके नाइस. आई थिंक मेरी ओवरऑल हेल्थ काफी बढ़ चुकी है. ओ ये वाला गेट भी खुल गया एंड उस तरफ एक पोर्टल भी था. ओ अच्छा खुला है ना, ठीक है तो वी कैन गो दैट वे. धोखा, ये क्या करती है इन्होंने, किधर लाके पटक दिया हमें. ओके सीम्स लाइक अ बॉस फाइट इज कमिंग, कूल. ए रुक बे, मुझे तुझे हैक करना है, सब कुछ हैक करके बंद करेंगे इसका. अरे 200 पॉइंट्स नहीं है. हैक पॉइंट्स खत्म हो गए थे मेरे, लेकिन ठीक है. आई थिंक मीडियम, लेट्स सी, मुझे लग रहा है मीडियम है. या मीडियम, कूल. कुछ स्किल पॉइंट्स ले लेते हैं. आई थिंक मेरे पास 6 हो गए, बढ़िया.
ये क्या सीन है, कुछ नीचे कुछ आया, इंक्रीजेस द स्पीड यू मूव इन नैनाइट क्लाउड फॉर्म. अच्छा ओके, दैट माइट बी यूजफुल बट नो पॉइंट लग रहा उसको. मुझे पता नहीं इतना चीज उसमें डालने के वैल्यूएबल है कि नहीं. वो और क्या चीज अवेलेबल है, थिंक अटैक स्पीड फास्ट करना सही रहेगा. इंक्रीजेस योर अटैक स्पीड, काइंड ऑफ थोड़ा स्लो है मेरा जो ये डबल एक्स है ना, या ये ले लेते हैं. ओके, थोड़ी सी बड़ी है ना, भी कुछ खास नहीं. सो दिस वॉज ऑप्शनल बॉस फाइट प्रोबेबली, लेट्स सी. हाँ, एक स्टैंड अलोन एरिया है काइंड ऑफ. ये देखो एक लिमिट है जितना मैं क्लाइम कर सकता हूँ, उसके बाद ही अपने आप छोड़ देती है. सो दिस वॉज ऑप्शनल बॉस फाइट एंड और कुछ है क्या एक्सप्लोर करने लायक इसमें. एकदम नीचे लाके पटक दिया सीधा. ये हम किधर निकले भाई, ओके यहाँ पे हम पहले आ चुके हैं, बट हमारे पास वो एबिलिटी नहीं थी आर पार जाने की. अबे मार दे भाई प्लीज, ये निकालनी पड़ा मुझे. ये हम एकदम वो अर्ली स्टेजेस में पहुंच गए, यहाँ से हम लेफ्ट जा चुके थे बट वो डोर्स क्लोज थे इसलिए हम वापस आ गए थे. तो वहाँ पे कुछ अभी कुछ भी नया नहीं है. एक चीज़ जो मैंने एक पोर्टल मिस किया है, बस वही वाला पोर्टल आज के एपिसोड में एक्सप्लोर करके एपिसोड रैप अप करेंगे. नेक्स्ट एपिसोड में क्या कहते हैं उसको, अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव आया है राइट एंड की तरफ, उसके तरफ चलेंगे. देखना वो पोर्टल हमें किधर लेके जाता है. वो पोर्टल तक जाने के लिए थोड़ी दिक्कत है क्योंकि उसे इन्होंने रखा ही ऐसे जगह पे, उसके आसपास कोई सेफ पॉइंट नहीं है, तो हमें हमेशा ऐसा ही इतना थोड़ा सा चक्कर मार के जाना पड़ेगा. बात इस पोर्टल की चल रही थी, ये सामने जो पोर्टल है. अरे निकल एंड इस तरफ क्या है, ये हमें बाहर फेंकता है. ये बीच में थोड़ा सा जो ब्लैक एरिया था ना वो एक्सप्लोर हो गया. ओके, उस तरफ जाने का कोई सीन नहीं है. आपने आपको पता चला वो रीजन कौन सा है, ये वाला कौन सा है? ये हमारा फर्स्ट गेम जब स्टार्ट किया था, ये जो है ये हमारा पहला चेक पॉइंट है. ये देखो ये जो ये वाला है, जो ये हमारा पहला चेक पॉइंट है. एंड यहाँ से उतर के हम लेफ्ट की तरफ आए थे एंड यहाँ पे कुछ ये प्लेटफॉर्म थे जो आपको दिख रहे हैं. एंड उसके बाद हमें ये जब पहली बार वो मिला था बूमर रैंक, उसे फेंक के हमने ये रेड वाला बल्ब तोड़ा नहीं था, मतलब उसको मारा था एंड ये डोर खोला था. ये काइंड ऑफ वो पहला डोर था एकदम गेम के स्टार्टिंग में. ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने ये पूरे मैप को आपस में 360 वापस गोल घुमा के
कनेक्ट करने की कोशिश की है, दैट इज रियली कूल। काफी ज्यादा यूज होता है ये, क्या कहते हैं इसको, हैकिंग पॉइंट्स काफी ज्यादा यूज होते हैं ये नैनाइट एबिलिटी के लिए। आई थिंक हम वो लड़ाई में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डैमेज बहुत कम है, 10 लिखा हुआ था। आई डोंट नो कि कोई क्यों यूज करेगा उसे, उससे अच्छा तो हैक ही कर ले। ओके कूल, तो ये हमें वापस एक्चुअली वही वाले पोर्टल पे लेके आया है जिस जहाँ पे हम पोर्टल नहीं वही वाले सेव पॉइंट पे लेके आए जहाँ पे हम आते हैं ये पोर्टल यूज करने के लिए। एंड अभी अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो ये हमें उसी पोर्टल के पास थोड़ा सा राइट में जाके पटक देता है लाके। ओके कूल, तो इधर कुछ भी खास था नहीं वैसे, मुझे लगा कुछ लूट वूट मिलेंगी मे बी हमें। या इधर आके रैप अप करते हैं। वैसे मुझे अभी ये ऑब्जेक्टिव तक कैसे पहुँचना है पता नहीं, हमें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा रास्ता वगैरह, क्योंकि अभी हमें एक नई एबिलिटी मिली नैनाइट वाली, तो प्रोबेबली इधर कहीं भी वैसा डोर होगा जो हम पार कर सकते हैं। बाय द वे ये जो रूम है ये वही रूम है जहाँ से हम वो एक पोर्टल यूज करके एक दूसरे वर्ल्ड में गए थे, एंड उधर हम हैमोड और सामारा से मिले थे, है ना, वो वाला रूम है ये जो है। ओके सो चलो जल्दी से वापस जाते हैं एंड ट्रैप अप करते हैं। तो गाइस अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। वैसे गेम अब ज़्यादा बचा नहीं है, आई थिंक मे बी 2-3 एपिसोड और एंड उसके बाद रैप अप हो जाएंगे। वैसे ज़्यादा बड़ा गेम नहीं था, शॉर्ट एंड स्वीट गेम था। तो या अगर आपको एंडिंग तक देखना है तो अगले वाले एपिसोड्स मिस ना करें। वैसे स्टोरी के नाम पे बहुत कुछ हो नहीं रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बेसिक चीज़ें जो क्लियर होती है वो ये है कि हमें जो अमाशी नाम है वो समाओ टेलीपोर्ट करके ये वाले वर्ल्ड में लेके आ जाता है, फिर हमें कन्विंस करता है कि ड्रोन से लड़ने के लिए हमें उसकी मदद चाहिए, एंड वो और भी आर्म्स को जमा करता है। एंड फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है, वो हमें बोलता है कि तुम ये पावर ले लो जिससे तुम अपने ड्रोन को अलग से कंट्रोल कर सकोगे, बट एक्चुअली होता है कि वो हमारी बॉडी का कंट्रोल ले लेता है। फिर उसके बाद फिर आप देख ही सकते हो क्या हो रहा है। उसके बाद वो हमारी बॉडी का कंट्रोल लेने के बाद वो खुद के लिए एक अलग सी बॉडी सुवीना करके जो है उसे ढूंढ निकालता है, ताकि वो ये जो पूरा वर्ल्ड है उसको डिस्ट्रॉय कर सके मदर वर्ल्ड पे जाके। जो मदर वर्ल्ड है उसको वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ये वर्ल्ड को नहीं डिस्ट्रॉय करना चाहता एक्चुअली वो मदर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है जैसे लमासू आया है, क्योंकि लमासू ने ऑर्डर दिया था सारे आर्म्स वगैरह को सेल्फ डिटोनेट करने के लिए, इसलिए वो मदर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। बट लमासू का बोलना है अगर मदर वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया तो बाकी जो यूनिवर्स के बाकी जो भी वर्ल्ड है वो सब भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो हम काइंड ऑफ उसे पूरा वर्ल्ड खत्म करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं अमाशी लावा को। ओके सो या लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।